मंच पर बैठे दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री और खुद एक आईआईटी के ग्रेजुएट अरविंद केजरीवाल जी, हमारे शिक्षा विभाग के सचिव, हमारी एससीईआरटी डायरेक्टर, हमारे आरडीज, और यहाँ पर आए हमारे आज के सबसे इम्पॉर्टेंट वीआईपीज, हमारे बच्चे जिन्होंने आईआईटी जेईई नीट के एग्ज़ाम को क्लियर किया है, उनके टीचर्स, उनके पेरेंट्स, उनके प्रिंसिपल्स, आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद इस शानदार अचीवमेंट के लिए। मुझे याद है कि शायद 2016 में या 2017 में सर पहली बार हमने ऐसा इंटरेक्शन किया था कि जब दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चों ने आईआईटी जेईई के एग्ज़ाम्स को क्लियर करना शुरू किया और बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन लिया। और मैं आप सबको ये बताना चाहूँगी कि जब हमने 2016-17 में ये इंटरेक्शन किया था तो जो सारे बच्चे, उनके टीचर्स, उनके पेरेंट्स जिन्होंने जेईई के एग्ज़ाम को क्लियर किया था, वो इतने से स्पेस में फिट आ गए थे जो आज घर में। और आज मुझे खुशी है इस बात की कि 3 गुना संख्या आज पिछले 8 साल में बढ़ गई है कि जो बच्चे दिल्ली के सरकारी स्कूलों से जेईई और नीट का एग्ज़ाम क्लियर कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि अगर हम इस स्पीड पे चलते रहेंगे सर, तो शायद अगली बार त्यागराज से बड़ा वेन्यू चाहिए होगा, क्योंकि हमारे दिल्ली के सरकारी स्कूल के स्टूडेंट्स इतना सक्सेस इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर अचीव कर रहे हैं। आज हम आपसे सुनना चाहेंगे कि आपकी एक्सपीरियंस क्या रहा, आपकी जर्नी क्या रही। लेकिन उससे पहले आपको ये ज़रूर कहूँगी कि आज जो आपका अचीवमेंट है, इस अचीवमेंट को आप सिर्फ अपना अचीवमेंट मत मानिए। आज जब एक गवर्नमेंट स्कूल का स्टूडेंट आईआईटी में एडमिशन लेता है, एम्स में एडमिशन लेता है, नैमसी में एडमिशन लेता है, तो वो खुद तो अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे पहुंचता है, लेकिन वो हज़ारों ऐसे देश में सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को इंस्पायर करता है कि चाहे मैं एक आम परिवार से आता हूँ, चाहे मैं एक मिडिल क्लास परिवार से आता हूँ, चाहे मैं एक नॉट सो वेल ऑफ परिवार से आता हूँ, लेकिन मैं भी आईआईटी पहुँच सकता हूँ, मैं भी एम्स पहुँच सकता हूँ, मैं भी आ सकता हूँ। तो आप लोगों ने खुद तो ये अचीवमेंट किया ही है, लेकिन आपने दिल्ली के और देश के लाखों ऐसे बच्चों को इंस्पायर किया है कि वो भी इस अचीवमेंट को पा सकते हैं। आज यहाँ पे हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे टीचर्स हैं, हमारे प्रिंसिपल्स हैं, तो आज हम आप लोगों से जानना चाहेंगे कि यहाँ तक पहुँचने की इतनी बड़ी अचीवमेंट की जो आप लोगों ने जेईई का एग्ज़ाम क्लियर किया, नीट का एग्ज़ाम क्लियर किया, जेईई एडवांस क्लियर किया, तो क्या आपकी जर्नी रही। आज मुझे लगता है कि जो सब लोग मंच पर बैठे हैं वो आप लोगों को सुनना चाहते हैं। तो माइक रॉबिन, आप में से जो भी बच्चे अपनी तरफ से शेयर करना चाहें अपनी जर्नी के बारे में, इस पूरे एक्सपीरियंस के बारे में, आपको यहाँ तक पहुँचने में किसने मदद करी, क्या चैलेंजेस आए, क्या अचीवमेंट रहे, आज आपका दिन है तो आपके मुंह से सुनना चाहिए। नमस्कार, दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के शिक्षा मंत्री श्री आतिशी मैम और सभी अध्यापकगण, प्रधानाचार्य और उज्जवल भविष्य रखने वाले सभी छात्र और उनके माता पिता, सबको मेरा हार्दिक अभिनंदन। मैं दिल्ली के राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय A6 पश्चिम विहार का छात्र पीयूष झा हूँ। नीट में मेरा स्कोर 706 था 720 में से, और मेरी ऑल इंडिया रैंक 88 है 21 लाख छात्रों में से। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने माता पिता, अपने अध्यापकगण, अपनी HOS मैम श्रीमती प्रीति सक्सेना मैम, दिल्ली के एजुकेशन सिस्टम को, और हमारे मुख्यमंत्री जी को भी, दिल्ली के
दिल्ली के एजुकेशन सिस्टम ने हमेशा से काफ़ी हेल्प की। मैं एक लोअर मिडिल क्लास से आता हूँ, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था एक टैबलेट खरीदने के लिए, जिसमें मैंने ऑनलाइन क्लासेस ली हैं, लेकिन स्कूल की तरफ से दिए गए लेनोवो के एक टैबलेट ने मेरी काफ़ी मदद की पूरे प्रेपरेशन को काफ़ी स्मूथ रखने के लिए, तो उसके लिए मैं काफ़ी शुक्रगुजार हूँ दिल्ली के एजुकेशन सिस्टम का। और स्कूल से हमेशा एक मोटिवेशन मिला, क्योंकि स्कूल से पहले भी बच्चे आईआईटी एक और भी मेडिकल के अच्छे कॉलेजेस में जाते रहे हैं, तो हमेशा से वो प्रेरणादायक था कि हाँ हम भी कुछ कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, जैसा मैंने कहा आप सिर्फ खुद एक सीट में आईआईटी जेईई का एग्जाम नहीं क्लियर कर रहे हैं, आपको देख के जो बच्चे आपके स्कूलों में पढ़ रहे हैं वो भी इंस्पायर हो रहे हैं कि हम भी कर सकते हैं, उसके लिए भी आप सबको बहुत बहुत बधाई। और कोई स्टूडेंट? गुड आफ्टरनून एवरीवन, आई एम दीपराज फ्रॉम स्कूल ऑफ एक्सेलेंस सेक्टर 17 रोहिणी। आप हैं कहाँ? सो जो मेरी जेईई मेन से लेके जेईई एडवांस तक की जर्नी थी क्वालिफाई करने की, उसमें मेरे टीचर्स और मेरे पेरेंट्स का बहुत ही क्रूशल रोल था। स्कूल से भी पूरा सपोर्ट मिला था, स्पेशली हमारे जो मैथ्स के टीचर हैं अबराज सर, उन्होंने हमारी एक्स्ट्रा क्लासेस लगवाई थी जेईई मेन्स के लिए भी और जेईई एडवांस के लिए भी। एंड मेरा इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट तो था ही हमेशा से, लेकिन 11th क्लास में जब मैंने CS एज अ सब्जेक्ट लिया, तब क्रोमबुक एंड CS के लैब्स के थ्रू जब हमें CS पढ़ाई गई, तो मेरा इंटरेस्ट उसमें और बढ़ गया और मुझे पता चल गया कि मुझे CS में ही अपनी पढ़ाई आगे कंटिन्यू करनी। सर्वप्रथम मैं यहाँ पे जितने भी मौजूद महोदय हैं उनको अपना नमन करना चाहूँगा, और मेरा नाम मोहम्मद जिब्रील आलम है, और मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं RPVP पश्चिम विहार स्कूल का स्टूडेंट हूँ। संघर्ष से सफलता तक का सफर मेरा वैसे बहुत सफ़र किया है इसमें, क्योंकि मेरे पेरेंट्स, जैसे मेरे फादर एक टेलर हैं तो कपड़ा बनाते हैं, मतलब लोगों के कपड़े बनाते हैं, और कपड़े बनाकर आज उन्होंने अपने दोनों बेटों को, मेरे भाई भी हैं वो भी अभी अभी ये थर्ड ईयर कर रहे हैं, दोनों बेटों को आज डॉक्टर बना रहे हैं, मेरे लिए बहुत बड़ी गलत की बात है। मैं अपने पापा को बहुत प्राउड करता हूँ, और जैसा कि मैंने कहा कि मैं गर्व करता हूँ कि मैं RPVP पश्चिम विहार स्कूल से आता हूँ, मेरे को वहाँ के टीचर ने बहुत सपोर्ट किया है, मतलब वो अकेडमिकली भी और नॉन अकेडमिकली भी हर तरह से उन्होंने सपोर्ट किया है। मेरी प्रिंसिपल मैम प्रीति सक्सेना मैम को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा, और इन सभी चीज़ों को जिन्होंने प्रोवाइड किया है मैं उनको स्पेशल थैंक यू बोलना चाहूँगा आप लोगों को। और ऐसे ही मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसे ही आप हमेशा और भी इससे अच्छी पढ़ाई स्कूलों में बनाए रखें। धन्यवाद। मुझे लगता है कि एक राउंड तालियां जिब्रील की फैमिली के लिए और उनके टीचर्स के लिए भी जरूर होनी चाहिए। मैम, मैं अपने खानदान में दूसरा डॉक्टर बनने जा रहा हूँ और पहला मेरे खुद भैया ही। आपके भैया ने कहाँ से स्कूलिंग करी? मेरे भैया ने भी सेम स्कूल से किया। थैंक यू। हेलो, माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी को और शिक्षा मंत्री अतीश जी को। अच्छा, मेरी एक रिक्वेस्ट है, हम मान लेते हैं कि आपने सबको नमस्कार भी कर दिया, आपने सबको धन्यवाद भी कर दिया, हम आपकी स्टोरी सुनना चाहते हैं, आपका एक्सपीरियंस सुनना चाहते हैं। जी, तो मैं RPVP स्कूल से हूँ एंड मैंने नीट में 720 में 649 मार्क्स स्कोर किए हैं। मेरी जर्नी 11th में तो मतलब ठीक नहीं थी, मेरे मॉक टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे थे, तो मेरे को लगा कि अब सब खत्म हो गया, मेरे से नहीं हो पाएगा, लेकिन तभी मैंने मॉक टेस्ट का एनालिसिस अच्छे से किया एंड बहुत सारे MCQs प्रैक्टिस किए, और मेरे पेरेंट्स और टीचरों ने भी मेरे को बहुत सपोर्ट किया, उनका धन्यवाद मैं जितना करूँ उतना कम है, और इसी कारण मैं आज इस मुकाम पर पहुँचा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहित है। कंग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाई। गुड आफ्टरनून एवरीवन, आई एम
आई एम हर्षिता भारती फ्रॉम आरएसकेवी सूरजमल बिहार। जी हर्षिता बताइए। एक्चुअली मेरे स्कोर 571 है बट आउट ऑफ 720। आई नो ये ज़्यादा अच्छे नहीं है बट मैंने कोई कोचिंग नहीं ली थी, मैंने सेल्फ स्टडी करी है। मैं अपनी फैमिली में फर्स्ट स्टूडेंट थी जिसने साइंस ली, तो मुझे कहीं से गाइडेंस तो मिल नहीं पाया। मैंने कभी एडमिशन गवर्नमेंट स्कूल में लिया था तो मैं किसी टीचर को भी नहीं जानती थी, तो इस वजह से मेरी 11th तो खराब ही हो गई थी। बट मैंने जब 12th में स्टार्ट किया तो पेपर से एक मंथ पहले ही मेरा सिलेबस हुआ था और मैंने सिर्फ मॉक टेस्ट उस एक मंथ में रिवीजन के साथ कंप्लीट किए थे। तो जब मैं ऐसा देखती हूँ तो मुझे मेरे स्कोर उस हिसाब से बहुत सही लगते हैं। तो आगे फिर से एग्जाम लेंगी कि अभी इसी पे एडमिशन लेंगी, क्या सोचा है आपने? जी एज आई एम एस सी स्टूडेंट तो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ मेरे को अच्छा कॉलेज मिल जाएगा इसमें। चलिए बहुत बहुत बधाई हो आपका। आई थिंक मुश्किल परिस्थिति में भी, क्योंकि अक्सर ये होता है कि बच्चे बहुत महंगी महंगी कोचिंग लेते हैं, तो आपने 571 का स्कोर अचीव किया, उसके लिए आपको भी आपके टीचर्स को और आपके सब प्रिंसिपल्स को बहुत बहुत बधाई। अगर कोई इसके बाद अगर कोई पेरेंट्स भी शेयर करना चाहें अपने बच्चों की जर्नी के बारे में और उनके एक्सपीरियंस के बारे में कि कैसा रहा ये पूरा सफ़र, बेटा। नमस्कार मैम, मेरा नाम गौरव कुमार है और मैंने जेई एडवांस में 51 रैंक लाई है। इसके लिए मैं अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर्स को, अपनी प्रिंसिपल मैम को और आप सभी को बहुत बड़ा थैंक यू बोलना चाहता हूँ। ये आप सबके सपोर्ट के बिना ये पॉसिबल नहीं हो पाता। मैम ये मैं कहना चाहता हूँ कि इस जर्नी में अगर आप कॉन्स्टेंटली लगे रहते हैं, बिना डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करें और मतलब सेल्फ स्टडी भी अच्छे से करें, तो फिर ऐसी रैंक लाना पॉसिबल है। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत ही वेल ऑफ फैमिली से होना चाहिए, कोई नॉर्मल मिडिल क्लास स्टूडेंट भी जो गवर्नमेंट स्कूल में है वो ये रैंक आराम से ला सकते हैं, बस मेहनत करने की ज़रूरत है। थैंक यू। और कोई बच्चे, टीचर्स, पेरेंट्स? नमस्कार मैम, मेरा नाम साहिल है और मैं आरपीपीवी सेक्टर 10 द्वारका का स्टूडेंट हूँ और मेरा इस साल नीट में स्कोर 652 मार्क्स रहा है 720 में से। मैं इसके लिए अपने परिवार को और अपने टीचरों को बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगा कि उन्होंने मेरा हमेशा पूरा सपोर्ट किया और मुझे स्कूल से जो टैबलेट मिला था उसने बहुत ज़्यादा हेल्प की मेरी, तो मैं दिल्ली गवर्नमेंट को भी इसकी। आ रही आवाज़? बात पूरी कर लो साहिल। मैम मैं अपने घर से पहला डॉक्टर हूँ और मेरे साथ मेरा भाई भी इस साल क्वालिफाई किया है नीट में, उसके मार्क्स 681 है 720 में से। आपका भाई कौन से स्कूल में पढ़ता है? वो भी सेम स्कूल में। तो इसके लिए भी फिर से पेरेंट्स को और टीचर्स को भी बहुत बहुत मुबारकबाद, कंग्रेचुलेशन बेटा। बेटा मम्मी पापा क्या करते हैं? मैम पापा की प्राइवेट जॉब है और मम्मी हाउस मेकर है। पेरेंट्स को भी आपके बहुत बहुत बधाई कि दोनों बच्चों ने नीट का एग्जाम क्वालिफाई किया। मैं अपने टीचरों को इसके लिए बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगा, उन्होंने मेरा सपोर्ट हमेशा किया और मुझे मतलब मेरे मुश्किल समय में भी मेरा साथ दिया कि हाँ तुम भी कर सकते हो, तो उसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूँगा उनका। कंग्रेचुलेशन। गुड आफ्टरनून मैम, आई एम काजल फ्रॉम एसओई सेक्टर 70। आई स्कोर 97 प्लस इन जेईई मेंस और मैंने जितना भी प्रिपेयर किया है वो ऑनलाइन ही किया है, यूट्यूब से एंड टेलीग्राम से जो फ्री लेक्चर्स अवेलेबल हैं। एंड मेरे प्रिंसिपल सर मिस्टर राकेश भैया सर ने मुझे बहुत ही मतलब फाइनेंशियली सपोर्ट किया है, लाइक लाइब्रेरी भी इशू करवाई थी एंड माय अब्रार सर, मैथ्स टीचर सुषमा मैम, लिटरली एसओई फैमिली इज द बेस्ट फैमिली एंड आई एम रियली थैंकफुल टू एवरीवन हु सपोर्टेड मी। थैंक यू सो मच। मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगी, इस बार जो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी का विषय यही है
सर कि इस बार लड़कियों ने लड़कों से बेटर परफॉर्म किया है और जो हमारे 1391 स्टूडेंट्स के नीट का एग्ज़ाम क्लियर किया है उसमें 933 गर्ल्स हैं और 438 बॉयज़ हैं। ये इसलिए भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि कुछ साल पहले मुझे याद है 2015-16 की बात होगी कि मैं गर्ल्स स्कूल में गई थी और मैंने वहाँ पे असेंबली में वहाँ पे जो बच्चियाँ हमारी उस स्कूल में थी उनसे पूछा कि उनमें से किस किस के भाई हैं जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं एंड ऑलमोस्ट 90% लड़कियों ने हाथ उठा के बताया कि हम सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं लेकिन हमारे पेरेंट्स भाई को प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं सोच के कि अगर थोड़े पैसे हैं तो बेटे की पढ़ाई पर लगा। लेकिन आज मुझे खुशी है इस बात की कि हमारे सरकारी स्कूलों का अचीवमेंट इतना अमेजिंग हो गया है कि हमारे सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली बेटियों ने लड़कों को पीछे छोड़ दिया है नीट के एग्जाम को क्लियर करने में। नमस्कार मैम, मेरा नाम सुनीता है। मैं पेरेंट्स हूँ, मेरी बेटी ने नीट क्वालिफाई किया है 657 आउट ऑफ 720 विदाउट एनी कोचिंग। कोई कोचिंग नहीं था, सिर्फ YouTube वीडियोस की हेल्प ली और सेल्फ स्टडी के जरिए और इनके स्कूल टीचर से, स्कूल है सर्वोदय कन्या विद्यालय प्रशांत बिहार, काफ़ी हेल्प की और इनके एचओएस से भी बहुत हेल्प की इनकी कि कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम हो तो हमें ज़रूर बताएं। तो बच्ची की बहुत हेल्प की, मैं दिल्ली गवर्नमेंट से बहुत थैंक्स करती हूँ इनका, दिल्ली गवर्नमेंट का, कि बच्चों के लिए इन्होंने बहुत कुछ किया हुआ है कि आजकल जो अफोर्ड नहीं कर पाते बच्चे वो गवर्नमेंट स्कूल में बहुत अच्छा कर पा रहे हैं अदर स्टेट के गवर्नमेंट स्कूलों में कंपेयर में। मैंने यहाँ देखा है कि बच्चों पे बहुत ध्यान दिया जा रहा है, इसीलिए यहाँ के गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे नीट जेई एडवांस जेई मेन्स क्लियर कर पा रहे हैं और मेरी बेटी ने जेई मेन्स में भी 99.5% लाइन लिए था। बहुत बहुत बधाई हो आपको। जितना आपको अपनी बेटी पे गर्व है उतना ही हमें आपकी बेटी पे गर्व है और मुझे भरोसा है कि वो जरूर आपका भी और हम सब का भी नाम रोशन करेगी। हेलो मैम, वेरी थैंक्स फॉर टू दिल्ली गवर्नमेंट। आप हैं कहाँ पर? हेलो मैम, मैं थैंक्स देना चाहूँगा दिल्ली गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम को। मेरा बेटा जो है एट क्लास में लेंसेस गवर्नमेंट में था लेकिन मैंने दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल सिस्टम को देखते हुए अपने दोनों बच्चों को स्कूल ऑफ एक्सीलेंस सेक्टर 17 में कराया। मेरा बड़ा बेटा 2021 पास आउट है और वो अभी आइजर तिरुपति से रिसर्च में BSMS कर रहे हैं। छोटे वाला बेटा अभी इसका डिप्लो में एडमिशन हो गया है और मोस्ट प्रोबेबली वो नेक्स्ट टाइम IIT में भी होगा। और कोई यहाँ पे एक पेरेंट है? नमस्कार, सेक्टर 10 द्वारका SOSC से मेरे बेटा नवीन यादव है जो 93% लाया और बधाई के बाद सेक्टर 10 के प्रिंसिपल मैम और प्रिंसिपल सर है और क्लास के टीचर है, बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो हेलो जी, सर कहाँ पर हैं आप? सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम दुर्गेश शर्मा है और मैंने अभी नीट का पेपर दिया था, उसमें 592 मार्क्स हैं सेल्फ स्टडी से और मेरे घर की परिस्थिति ज़्यादा ठीक नहीं थी तो मैं काम करता था केमिस्ट्री की दुकान पे, मुझे 500 रुपये मिलते थे 4 घंटे के और कंपाउंडर काम करता था तो 2500 रुपये मिलते थे। जैसे पहले करके मैंने पढ़ाई की और MBBS तो पता नहीं पर BDS का मौलाना आजाद मिल जाएगा डेंटल का मुझे और मेरा टीचरों का काफ़ी सेंसर और मेरा स्कूल से उन्होंने भी काफ़ी हेल्प की है फाइनेंशियली भी और बुक से रिलेटेड उन्होंने सब मुझे प्रोवाइड किया है और मेरे जो लाइब्रेरियन है उन्होंने भी मेरे काफ़ी बुक्स प्रोवाइड की थी, मैगजीन दी थी मेडिकल एग्जाम के लिए। बहुत बहुत बधाई है दुर्गेश, बहुत बहुत मुबारकबाद। और मुझे लगता है कि अगर एक बच्चा खुद की मेहनत से और स्कूल टीचर्स के सपोर्ट से यहाँ तक पहुँच सकता है
तो आज दुर्गेश ने दिखा दिया है कि अगर आप ठान लीजिए कि आपको कोई गोल अचीव करना है तो आप वहाँ पे जरूर पहुँचेंगे। बहुत बहुत बधाई। अब एक लास्ट स्टूडेंट की बात हम सुन लेते हैं और फिर मैं सीएम साहब को इनवाइट। गुड मॉर्निंग सर, आई एम देवयानी शर्मा ऑफ गवर्नमेंट कोएड लाजपत नगर एंड आई वॉन्ट टू गिव अ बिग थैंक्स टू दिल्ली गवर्नमेंट बिकॉज आई हैव क्वालिफाइड नीट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द फ्री नीट जेईई कोचिंग प्रोवाइडेड बाय द दिल्ली गवर्नमेंट। थैंक यू केजरीवाल सर, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ यू आई हैव क्वालिफाइड नीट दिस टाइम एंड अ बिग थैंक्स टू माई HOS मैम, फिजिक्स टीचर, केमिस्ट्री टीचर एंड बायो टीचर फॉर मेकिंग this dream of mine and my parents come true and I'm really not able to believe it that this time I could qualify NEET as I am a cricket player and I play from the Delhi state team under 19 level. So thank you so much sir and thank you so much ma'am. Thank you. Good evening. ये last लेंगे तो mic वाले अब क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे बैठे तो 2000 से ज़्यादा बच्चे हैं और सबकी बहुत इंस्पिरेशनल कहानियाँ हैं बट ये एक लास्ट आपकी स्टोरी सुन के फिर हम सीएम सर को इनवाइट करेंगे आपको एड्रेस करने के लिए। गुड आफ्टरनून मैम, आई एम कुएर मेयर फ्रॉम सेक्टर 23 SOS बीआर एसएससी एंड मेरी जर्नी इंजीनियरिंग की कहीं ना कहीं जब मैं बहुत छोटा था तब से शुरू हो गई थी जब मैं अपने टॉयज वगैरह खोला करता था एंड तब तो मुझे पता नहीं था कि इंजीनियरिंग होती है बट वही पैशन मेरे कहीं ना कहीं मेरे पेरेंट्स ने देखा और फिर मुझे इस लाइन में उन्होंने मेरे पापा ही रहेंगे क्योंकि नॉट बिकॉज इज फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड बट ही गिव्स हिज 100% टू व्हाटएवर इट इज। सो मेरे मेन इंस्पिरेशन मेरे पापा ही रहेंगे एंड मेरे बाकी फैमिली मेम्बर्स ने बहुत सपोर्ट करा एंड मेरी दीदी ने भी बहुत सपोर्ट करा, वो इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर हैं एक्चुअली, उनका भी बहुत सपोर्ट रहा एंड स्कूल्स का तो अनडिनाइबली बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है हमें जो स्पेशली SOSCs में ऑफलाइन BMC कोचिंग प्रोवाइड करी थी दिल्ली गवर्नमेंट ने, उसके वो अगर नहीं होती तो शायद मैं आज यहाँ पर नहीं होता। तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा दिल्ली गवर्नमेंट एंड थैंक यू सर। और मुझे लगता है कि मैं आप सबकी तरफ से सारे स्टूडेंट, सारे पेरेंट्स, सारे टीचर्स और प्रिंसिपल्स की तरफ से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को धन्यवाद करना चाहूँगी कि जो सपना उन्होंने देखा 8 साल पहले कि सरकारी स्कूल के बच्चे भी किसी से कम नहीं हैं, हो सकता है वो इतने अमीर परिवार से आप नहीं आते लेकिन उनमें टैलेंट की कोई कमी नहीं है, और जो सपना मुख्यमंत्री हमारे अरविंद केजरीवाल जी ने देखा कि हम भी सरकारी स्कूल के बच्चों को बेस्ट ऑफ बेस्ट एजुकेशन देंगे, आज उसी का नतीजा है कि इतनी बड़ी संख्या में आज दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल्स के स्टूडेंट्स ने NEET और JEE क्वालिफाई किया है। थैंक यू सो मच सर फॉर हैविंग दिस करेज, फॉर हैविंग दिस ड्रीम एंड मेकिंग इट कम ट्रू। थैंक यू। मंच पे मौजूद दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी जी, दिल्ली के शिक्षा सचिव महोदय, हमारी SCERT के डायरेक्टर, यहाँ पे आए हुए सभी अधिकारीगण, सभी प्रिंसिपल्स, वाइस प्रिंसिपल्स, सभी टीचर्स और हमारे सभी स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबका स्वागत है, सबको मेरा प्रणाम। जैसे अभी आतिशी जी ने बताया कि जब हमारी सरकार बनी थी 8 साल पहले, हम लोग नए नए राजनीति में आए थे, उसके पहले NGO में काम किया करते थे, दिल्ली की झुग्गियों में काम किया करते थे हम लोग, और हमारा एक सपना था कि जब तक इस देश के हर बच्चे को, चाहे वो गरीब का बच्चा हो चाहे अमीर का बच्चा हो, जब तक इस देश के हर बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी और बराबरी की शिक्षा नहीं मिलेगी तब तक देश तरक्की नहीं कर सकता। 8 साल पहले जब सरकार बनी तो लगा कि हम तो एक ऑर्डिनरी से बैकग्राउंड से थे, मिडिल क्लास परिवार से थे, ज़िंदगी में कभी सोचा ही नहीं था कि राजनीति में जाएंगे, ऊपर वाले का कुछ करिश्मा हुआ, आप लोगों ने इतना प्यार दिया और दिल्ली में सरकार बन गई, इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली तो हमने इस पे काम करना शुरू किया। काम आसान नहीं था पर इम्पॉसिबल भी नहीं था आज लगता है,
आठ साल के अंदर आज ये त्यागराज स्टेडियम जो भरा हुआ है, ये सफलता से भरा हुआ है, ये सक्सेस से भरा हुआ है, चारों तरफ इतने सारे बच्चे, इतने सारे पेरेंट्स, इतने सारे टीचर्स आज सेलिब्रेट कर रहे हैं आठ साल के बाद, तो ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है। मैं एक बार ये फिगर्स पढ़ी गई हैं, मैं फिर से पढ़ना चाहूँगा इन फिगर्स को कि 1391 स्टूडेंट्स ने नीट क्वालिफाई किया है, 458 लड़के हैं और 933 लड़कियां हैं, बच्चों ने जेई मेन्स क्लियर किया जिसमें 607 लड़के और 123 लड़कियां, और 106 बच्चों ने जेई एडवांस्ड क्लियर किया है। और ये नंबर आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो लगातार बढ़ता जा रहा है, 2021 में आज से दो साल पहले जेई एडवांस्ड क्लियर करने वाले बच्चे 64 थे, जो इस बार 106 हो गए। जेई मेंस क्लियर करने वाले बच्चे 384 थे, जो इस बार 730 हो गए, और नीट क्लियर करने वाले 496 थे, जो इस बार 1391 हो गए, तीन गुना हो गए दो साल में। पीयूष झा फ्रॉम RPVV पश्चिम बिहार, ऑल इंडिया रैंक 88। जिब्रेल आलम ऑल इंडिया रैंक 91, ऑल इंडिया कैटेगरी रैंक 91 नीट। गौरव कुमार दक्षिणपुरी एक्सटेंशन ऑल इंडिया रैंक 51 जेई एडवांस्ड, कंप्यूटर साइंस मिलेगी इनको IIT बॉम्बे में। अस्तिक नारायण 193 जेई एडवांस्ड। सबसे पहले मैं सारे बच्चों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, गजब किया आप लोगों ने, बहुत मेहनत की आप लोगों ने, आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। भगवान करे आपके सभी सपने पूरे हों, आप खूब तरक्की करें जिंदगी के अंदर, और भगवान आपको खूब सारी खुशियाँ दे। मैं हमेशा एक चीज कहता था कि इस देश ने मुझे बहुत कुछ दिया है। मैं IIT खड़गपुर से पढ़ा, मेरी रैंक 563 थी, और आज इस हॉल में कितने सारे बच्चे बैठे हैं जिनकी रैंक मेरे से कहीं ज्यादा अच्छी है। IIT खड़गपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ा, और मैं हमेशा ये कहता था कि इस देश ने मुझे जो दिया है, मेरी इच्छा है कि मैं देश के बच्चों को उस कम से कम उस स्तर की शिक्षा जरूर दे सकूं जो इस देश ने मुझे दी है। मैं IIT से हूं, मेरे दो बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी, वो दोनों भी IIT दिल्ली से हैं। शिक्षा का महत्व समझते हैं हम मानते हैं कि बिना शिक्षा के कोई देश तरक्की नहीं कर सकता। अगर देश को तरक्की करनी है तो शिक्षा तो देनी पड़ेगी। आज मुझे बेहद खुशी होती है ये देख के कि वो स्कूल 2013-2014 में जो सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ते थे, उस वक्त ऐसा लगता था कि बच्चों का कोई भविष्य नहीं है सरकारी स्कूलों के अंदर। अगर किसी के माँ बाप के पास, अभी जैसे आतिशी जी ने बताया कि अगर किसी के घर में एक बेटा होता था एक बेटी होती थी, माँ बाप के पास पैसा थोड़ा है तो बेटे को प्राइवेट स्कूल भेजते थे और बेटी को सरकारी स्कूल भेजते थे। साल दो साल पढ़ाई करने के बाद ड्रॉप आउट रेशियो इतना ज्यादा था कि बच्चे को घर बिठा लेते थे कि पढ़ाई तो होती नहीं है, टाइम खराब करके क्या करेगा, कुछ कमाएगा, खाए दो पैसे तो घर में लेके आएगा। जैसा मैंने कहा कि उसके पहले हम NGO में काम किया करते थे, दिल्ली की झुग्गी बस्तियों में काम करते थे, उन दिल्ली की झुग्गी बस्तियों में हम देखते थे कि सरकारी स्कूलों की क्या हालत थी। वहां से निकल के आज दिल्ली के अंदर जब मैंने अभी देखा, एक भाई साहब ने बताया कि मेरे दोनों बच्चे
प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे, वहाँ से निकाल के मैंने दोनों बच्चों को सरकारी स्कूल में भर्ती कराया। बहुत बड़ी बात है ये ट्रांसफॉर्मेशन जो दिल्ली के स्कूलों के अंदर हो रहा है। मैं सभी पेरेंट्स को बहुत बधाई देना चाहता हूँ। पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ा दिन होता है। मुझे याद है जब मेरा भी IIT में हुआ था और पेरेंट्स को कितनी खुशी होती है। लेकिन अभी सारी टेंशन ख़त्म नहीं हुई। 4 साल के बाद जब निकलेगा तो ये होगा कि ये लें कि वो लें कि अच्छी चीज़ ये है कि जब आप IIT से नीट से इनसे निकलते हैं तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत होती हैं, आपके पास चॉइसेस बहुत होती हैं। यहाँ जाऊँ कि यहाँ जाऊँ कि यहाँ जाऊँ कि यहाँ जाऊँ, ये लूँ कि ये लूँ कि ये लूँ, बहुत सारी चॉइसेस होती हैं। एक दो चीज़ें बस मैं कहना चाहता हूँ, उसका ध्यान रखना। जब मैं IIT से निकला मेरे नंबर अच्छे थे। उन दिनों में IIT से जितने बच्चे निकलते थे मोस्टली 90% बच्चे अमेरिका चले जाते थे, बाहर चले जाते थे। पर एक अंदर भावना थी, मैं चाहता मैं भी बाहर जा सकता था, मैं भी हायर स्टडीज़ के लिए बाहर जा सकता, मैं नहीं गया। मुझे लगा कि अगर सारे ही बच्चे बाहर चले गए तो भारत को कौन संभालेगा।